दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे वार्म अप मैच में भारतीय टीम जीते तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों आप तो जानते हैं कि न्यूजीलैंड से मुकाबला रद्द होने के बाद आईसीसी ने भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में वार्म अप मुकाबले को घोषित कर दिया है और अब आखिरकार आप सभी को वार्म अप मुकाबला कब कहां कितने बजे से लाइव आता हुआ नजर आएगा और कौन सी प्लेइंग 11 टीम मैदान पर उतरेगी, क्या होगी लाइव अपडेट, वो सब आपको आज के इस लाइव वीडियो में हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और अफगानिस्तान में से कौन सी टीम ये वार्म अप मैच जीतेगी, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेला था जिसमें टीम इंडिया को 6 रनों से जीत मिली थी और उस मुकाबले को अंतिम ओवर में भारत ने मोहम्मद शमी की हैट्रिक गेंदबाजी के बदौलत जीता था। लेकिन आप सभी को वो मैच तो याद ही होगा और वहीं फिर दूसरा वार्म अप मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में करवाया जाने वाला था। लेकिन दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि द गावा के मैदान पर 19 अक्टूबर को खूब झमाझम बारिश हुई जिसके चलते मुकाबले को रद्द करने का फैसला एम्पायर ने लिया और ये फैसला काफी निराशजनक भारत के फैंस और न्यूजीलैंड के फैंस के लिए था क्योंकि हम सभी को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद इस दौरान लग रही थी। लेकिन दोस्तों दुखी होने की बात नहीं है, बीसीसीआई और आईसीसी ने मिलकर एक और वार्म अप मुकाबला 23 तारीख को खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान के मैच से पहले आयोजित कर लिया है। जी हां दोस्तों, तो आप सभी को भारत और अफगानिस्तान की टीमें इस वार्म अप मैच में भिड़ती हुई नजर आएगी जहां आप सभी इस मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के चैनल्स पर देख सकोगे, वो भी अलग अलग भाषाओं में। तो वहीं अगर आपको मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए आप सभी हॉटस्टार ऐप का उपयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये मुकाबला एक हाई वोल्टेज मैच होगा जहां भारत की टीम की तरफ से हम सभी को रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अफगानिस्तान की टीम को भी हम कमजोर नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान की कप्तानी मोहम्मद नबी के हाथों में होगी। तो वहीं उनकी टीम में हजरतुल्ला जजई, इब्राहिम जादरान, डारविश रसूली जैसे खतरनाक खिलाड़ी शामिल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना होगा। तो वहीं दोस्तों ये मुकाबला भी गावा के मैदान पर ही करवाया जाएगा जिसके चलते पिच जो होगी यहाँ गावा की वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए अनुकूल होगी। तो दोस्तों आप सभी को भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी में तो शानदार प्रदर्शन दिखेगा ही, पर भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो टीम इंडिया को लगभग 200 रनों का स्कोर तो अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ बनाना होगा। तो वहीं अफगानिस्तान की टीम कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द भारत के बल्लेबाजों को वो आउट करें अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी के चलते। तो वहीं बात करें प्लेइंग 11 टीम की तो दोस्तों भारत की प्लेइंग 11 टीम में आप सभी को केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अफगानिस्तान की टीम की तरफ से आप सभी को टीम में शामिल होते हुए दिखाई देंगे हजरतुल्ला जजई, रहमानुल्ला गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दारविश रसूली, नजीबुल्ला जादरान, मोहम्मद नबी, अजमतुल्ला उमरजाई, उस्मान गानी, क्वाइस अहमद, नवीनुल हक, मुजीबुर रहमान, फरीद अहमद, फैजल हक फारूकी, मोहम्मद सलीम और राशिद खान। तो ऐसे में दोस्तों ये होगी टीम है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच खेले जा रहे वार्म अप मैच के बारे में और आपके अनुसार कौन सी टीम इस वार्म अप मुकाबले को जीतेगी, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।